पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सांसद पद की शपथ ली। सांसद पद की शपथ लेने के बाद जब पप्पू यादव प्रोटम स्पीकर भर्तृहरि महताब का अभिवादन कर रहे थे, इसी दौरान उनकी सत्ता पक्ष के सांसदों से बहस हो गई। इसके साथ ही शपथ के दौरान पप्पू यादव ने नीट परीक्षा दोबारा कराने के मुद्दा संसद में शपथ ग्रहण के समय उठाया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते समय नीट का मुद्दा उठाया, री नीट लिखा हुआ टी शर्ट भी पहना। साथ ही शपथ ग्रहण के दौरान ही बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग भी की है। जब आप आज भी तानाशाह की तरह काम करेंगे, इतने मजबूत विपक्ष होने के बावजूद आज जो सब दिन से लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्य रही है और उस मूल्यों को भी आप खत्म करेंगे, हर परिस्थितियों में आपको डिप्टी स्पीकर देना चाहिए था। जब आप नहीं देंगे, सारी परंपराओं को आप खत्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष जब होगा तो अपना कैंडिडेट देगा। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल इस सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का है। इस देश में 140 करोड़ लोगों की आवाज होती है, विभिन्न भाषा है, विभिन्न विचारधारा है, विभिन्न धर्म है, मजहब है, सभी तरह के लोग, यही देखा जाता है रियल बाग, रियल खूबसूरती। और वहाँ पर यदि पीएमओ से सदन चले, गृह मंत्रालय से सदन चले और विपक्ष को नज़रअंदाज कर दीजिए जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार को ऐसे समय में सोचना चाहिए कि यदि अभी भी आपका सम्मान नहीं है तो अपनी आने वाले समय में अपनी पार्टी की रक्षा के लिए स्पीकर के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप आज भी तानाशाह की तरह